8. सुमन जोर जोर से रो रही थी कि एकदम से तेज हवा चलने लगी, बादल जोर जोर से गरजने लगे। घर वाले चौंके कि आखिर यहां पर हो क्या रहा है। सुमन ने आंखें खोली तो सामने कोई खड़ा था। उसका सर बकरे का था और शरीर इंसान का। यह तो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा रहमान बता रहा था। इसी ने रहमान को मारा है, पर ये यहां पर इसके सामने क्यों आ गया? वेदा ने एकदम से सोचा। सुमन डर कर पीछे की ओर जाने लगी कि तभी वो बोला, डरो मत बेटी, तुमसे आज तक सबने पूछा कि तुम्हारे पिता कौन है, कौन है तुम्हारा बाप। तुम्हारी माँ कभी जवाब ना दे पाई, और बेटी जवाब देती भी क्या कि तुम्हारा पिता एक दैत्य है। तुम्हारी माँ को एक दैत्य से प्यार हुआ था ये बताती? हाँ बेटी, मैं वही दैत्य हूं, मैं ही हूं तुम्हारा पिता। ये सुन सुमन हैरान हो गई। सुमन तो हैरान हुई, पर उससे भी ज्यादा हैरान हुए वेदा। फिर उस दैत्य ने अपनी कहानी सुनाना शुरू करी। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, वो अक्सर जंगल में जानवरों की मदद करती थी, सब जानवर उससे प्यार करते थे। और उस समय हमारी दुनिया में एक जंग छिड़ी हुई थी जिसमें मैं बहुत घायल हो गया। हम जीत तो गए, पर मैं वहां पर ठीक नहीं हो पा रहा था। मुझे पता चला कि भूलोक पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिससे मेरे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो मैं यहां पर आ गया। और किस्मत से मैं तुम्हारी माँ के सामने ही आकर गिरा, जहां मुझे देखकर लोग डरकर भाग जाते। तुम्हारी माँ ने मेरे घाव को देखा, उस पर वो जड़ी बूटियां लगाई, मुझे पूरा ठीक किया, और इसी बीच मुझे उससे प्यार हो गया और उसे मुझसे, और हमारे उसी प्यार की निशानी तुम हो। हालांकि एक दैत्य का बच्चा अपनी कोख में रखना इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए तुम्हारे जन्म लेने के कुछ वक्त बाद ही वो मर गई, और मुझे वापस से मेरी दुनिया में जाना पड़ा। क्योंकि दूसरी जंग लग चुकी थी तो तुम मेरी बच्ची यहीं पर रह गई। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ सहा है, पर तुम्हारे अंदर तुम्हारी माँ वाली सारी खूबी है। तुम तुम्हारी माँ की तरह ही सुंदर हो, जानवरों से प्यार करती हो, अच्छी हो, नेक हो। सुमन बस रोए जा रही थी। रो मत बेटी, मैं तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। तुम्हें और तुम्हारी इस बेटी को यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में भानुज कमरे में आया। जैसे उसने उस दैत्य को देखा, वो चिल्लाते हुए बोला, ये कौन है? सुमन, सब सही कहते थे, इसका मतलब तुम्हें काला जादू आता है। तुमने मुझे फंसाया, तुम्हारी वजह से मैंने इतना कुछ सुना, इतना कुछ सहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो भागते हुए गया और दीवार पर टंगी उसने अपनी तलवार निकाली। जब तक कोई कुछ समझ पाता, भानुज ने अपने ही हाथों से सुमन का गला काट दिया। उसका सर धड़ से नीचे गिर गया। और क्योंकि सुमन के पिता यानी कि वो दैत्य इंसानी दुनिया में थे, तो वो उसे बचा नहीं पाए। पर मरते मरते भी सुमन ने एक बात बोली, पापा मुझे यहां से ले जाओ, ये जगह अच्छी नहीं है। और जब उसके पिता ने वो बात सुनी तो उनका गुस्सा सीमा से पार हो गया। जब भानु ने सुना कि सुमन ने उस दैत्य को पिता कहा, तो उसे भी रियलाइज हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने अपनी बेटी को उठाया और वहां से भागना शुरू किया। वो दैत्य भानुज का पीछा करने लगा, पर किसी तरह बच बचाते हुए भानुज ने अपनी बेटी को एक अनाथालय के सामने रखा और वहां से भाग गया। अब जाकर वेदा को पता चला कि प्रिया किसी और की नहीं बल्कि भानुज और सुमन की बेटी है। खैर, भानुज छुपता रहा और अगले दिन अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते वो सबको बताने लगा कि सुमन मर गई है और उसकी लाश उसके कमरे में पड़ी है। पर हैरानी की बात यह थी
सुमन की लाश घर में थी ही नहीं, वो गायब हो गई थी, वो भी अपने आप, जिससे सब हैरान हो गए कि सुमन गायब कैसे हो सकती है। छत पर कौवे आकर मरने लगे। गांव वाले भी ये सब देख रहे थे कि ठाकुर की हवेली पर कौवे आकर मर रहे हैं, पर उन्हें लग रहा था कि शायद ठाकुर की छोटी बहू काला जादू करती है तो इसलिए ये हो रहा है। और उन्हें अब तक ये भी पता चल गया था कि उनकी छोटी बहू अपने आप गायब हो चुकी है। पर अगले दिन जो हुआ उसने पूरे गांव वालों के अंदर एक दहशत भर दी। रात ठाकुर का परिवार गायब हो गया। आखिर कहां गए वो सब, किसी को नहीं पता। पर वेदा ने सब देख लिया कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। ठाकुर का पूरा परिवार हवेली से जाने की तैयारी कर रहा था कि एकदम से वो दैत्य आया जो गुस्से से पूरा लाल था। उसने सबको मारा और वहीं बैठकर उनके खून से एक किताब लिखने लगा। वही किताब बुक ऑफ कीपिंग, और उसमें उसने कहानी लिखी सुमन की। और शायद इस कहानी को लिखने का मकसद ये था कि जब भी प्रिया इस मेंशन में आए तो उसे ये बुक मिले, जिससे उसे अपनी माँ की कहानी पता चले और ये भी पता चले कि दुनिया रहने लायक नहीं है। तो ये किताब उसे ले जाए उस दैत्य द्वारा बनाए एक दुनिया में, जो दुनिया उस किताब के अंदर है, और इसी किताब में सुमन भी थी। और उस दैत्य ने उस किताब में उन सारे घर वालों को भी कैद करके रखा हुआ था। वो आज तक एक आग में जल रहे थे, उनकी आत्मा आज तक तड़प रही थी। ये देखकर, ये जानकर वेदा सुन्न रह गए। वेदा सोचने लगे अब क्या होगा। तो फिर पन्ना पलटा और उन्हें अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक काले अंधेरे में गुम थे, पन्ने पलट रहे थे पर कुछ भी नहीं हो रहा था, ना कोई दिख रहा था और ना कुछ सुनाई दे रहा था। कि वेदा को लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। पलट कर देखा तो वही दैत्य खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था। तो तुम आ ही गए वेदांत, और अपने साथ किसको लाए हो? अक्षराज को। क्यों अक्षराज, कैसे कैसे दिन आ गए तुम्हारे? एक इंसान के शरीर में रहना पड़ रहा है, वो भी ऐसा इंसान जो तुम्हारी एक नहीं सुनता। चलो, तुमने तो चेतावनी दे दी थी कि यहां पर मत आना, पर ये बदला लेने के लिए आ गया है और प्रिया को बचाने के लिए। तुम प्रिया को बचाने आए हो, तुम उसका भला चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं। पर तुमको मैं एक बात बता रहा हूं, प्रिया यहां पर सेफ है। तुम इंसानों से वो जितना दूर रहेगी उसके लिए उतना ही ठीक होगा। मतलब ही होते हो तुम सब। एक वो भानुज था जिसने मेरी बेटी का गला मेरे सामने ही काट दिया, उसे तो मैं आज तक जला रहा हूं और हमेशा के लिए वो जलता ही रहेगा। जिस पर वेदा ने एकदम से टोका, देखो मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर किसी भी चीज का हल बदला नहीं होता। इंसान बुरे होते हैं पर सब बुरे नहीं होते। तुमको जिससे प्यार हुआ, जिसने तुम्हारा ख्याल रखा, वो भी एक इंसान थी। सुमन भी इंसान है और प्रिया भी, और उसके दोस्त उसकी चिंता करते हैं, इसलिए वो उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखो मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने इस कहानी को जाना और सच में मुझे बुरा लग रहा है, पर प्रिया की जगह इंसानी दुनिया में है ना कि यहां। उसे जाने दो और तुम उन आत्माओं को भी छोड़ दो, मैं उन्हें मुक्ति दिला दूंगा, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। मेरी बेटी की कहानी जानने के बाद भी तू ये बोल रहा है कि मैं पापियों को जाने दूं? ऐसा नहीं हो सकता। तू जैसे आया है वैसे ही चले जा, तू बुरा इंसान नहीं है। तेरा मकसद प्रिया को बचाना था केवल, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। जा, चला जा यहां से। वैसे भी वो इंसानी दुनिया में रहे या ना रहे किसी को फर्क नहीं पड़ता। वेदा उसे बार बार समझा रहे थे पर वो मान ही नहीं रहा था। जिस पर वेदा को लगा कि अब इससे लड़के ही प्रिया को बचाना पड़ेगा, जिस पर अक्षराज बोला, नहीं वेदांत, तुम इससे मत लड़ना, ये बहुत ताकतवर है, तुम इससे नहीं जीत पाओगे। पर तब तक उस दैत्य ने वेदा के मन की बात जान ली थी। उसने वेदा पर हमला कर दिया। वेदा दूर जाकर गिरे और अब उस दैत्य और वेदा के बीच में लड़ाई शुरू हो गई।